हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज 10 नवंबर 2017 है। हम दैनिक जागरण, जो कि डेली न्यूज़पेपर हिंदी में है, उसका डेली एडिटोरियल एनालिसिस इस कोर्स में कर रहे हैं। और ये कोर्स स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सीएससी के लिए, एसएससी डीएसएससी आरबीआई और आईबीपीएस और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। इस लेसन में हम बात करते हैं दैनिक जागरण के एडिटोरियल्स की, और आज 10 नवंबर का एडिटोरियल इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। और ये लेसन प्रेजेंट किया गया है मेरे द्वारा, और मेरा नाम है कुमार सतन। दोस्तों, फर्स्ट जो हमारा लेख है वो है दिल्ली की दुर्गति। आप अगर दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली एनसीआर में जो स्मॉग है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और इससे लोगों की आँखों में जलन हो रही है और वहाँ पर सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो स्मॉग दिल्ली में फैल रहा है, और दिल्ली से जुड़े हुए जो इसके एंसिलरी जो एरियाज हैं, जैसे कि नोएडा हरियाणा का जो गुड़गांव है, उनमें ये फैल रहा है स्मोक के कारण। दिल्ली जो है, या फिर दिल्ली के जो जो नियरेस्ट पार्ट हैं, उनमें लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका जिक्र इसमें किया गया है। इसके लिए कोई ठोस उपाय गवर्नमेंट्स ने नहीं उठाए हैं, तो ये इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर रख दिया गया है कि लोग जो है राजनीति इस पर कर रहे हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के मध्य कोई समन्वय नहीं है, क्योंकि अगर लोगों के हित की बात आती है तो ऐसे मौके पर राजनीति करना व्यर्थ की बात है, और विभिन्न एजेंसियों के मध्य कोई समन्वय इसमें नहीं है। थर्ड इज, ये रीज़न इसका ये है कि बढ़ता बोझ, अतिक्रमण और जाम के कारण दिल्ली की दुर्गति हुई है। जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर बढ़ी है, आप्रवासन बढ़ रहा है दिल्ली में, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लोग जहाँ चाहें वहाँ अपना घर बना लिया, या फिर बस्ती डाल ली, झुग्गी झोंपड़ी डाल ली, तो उसके कारण अतिक्रमण बढ़ रहा है। और अपने आपने देखा होगा कि जैसे जो गलियाँ हैं वो बहुत सकड़ी हैं, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, अतिक्रमण हो रही है। और जो विलासिता की सुविधाएं हैं दिल्ली के लोगों के लिए, तो दैट कॉजेज स्मोक, जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। वोट बैंक की राजनीति के कारण जो दिल्ली की जो समस्या है उसका निदान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिल्ली की जो समस्या है उसका निदान करने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना होगा। और इसके लिए जो दोनों गवर्नमेंट हैं उनको अपने राजनीतिक फायदे के को साइड में कर दिल्ली के लिए प्रयास करनी होगी। इस वोट बैंक को आप दूर रख सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और जो भारत की राजधानी है, इसका सारा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी पड़ता है। कि दिल्ली अभी, क्योंकि हाल ही में एक जो घटना हुई थी दिल्ली रेप कांड की, तो उसके कारण दिल्ली को बलात्कार की राजधानी कहा जाने लगा था, रेप कैपिटल कहा जाने लगा था। तो ये सारी पोजीशंस जो हैं, ये सारी स्थितियाँ जो हैं, इनके कारण दिल्ली के जो नाम है उस पर नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो ये स्मोग है, स्मोग इज मेड ऑफ स्मोक, धुआं है वो, और फॉग, इसके कारण स्मोग बनता है। और स्मोग के कारण जो भी दृश्यता है वो 50 मीटर से भी कम रह गई है, मतलब ये कि लोग 50 मीटर तक कभी नहीं देख पा रहे हैं। तो इसको इसके निराकरण के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल लिखा है वो सुरेंद्र किशोर ने लिखा है। इन्होंने कहा है कि राजनीतिक अपराधीकरण का इलाज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में सांसद और विधायकों के खिलाफ जो मुकदमे की सुनवाई है, उनकी जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालत स्पेशल कोर्ट के गठन की मंजूरी दी है, कि एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए ताकि सांसद और विधायकों के जो मुकदमे हैं, जो उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उनका जल्दी से निराकरण हो सके। क्योंकि ये जो तथ्य है वो सांसद और विधायकों से जुड़ा है, और सांसद और विधायक डायरेक्ट जो है लोकतंत्र की उस पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जो कि लोकतंत्र को चलाती है। ठीक है, तो उनके खिलाफ जो मुकदमों की जल्द सुनवाई की जाना चाहिए। ये लेख में लिखते हैं कि गवाहों की सुरक्षा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है इस क्षेत्र में, क्योंकि गवाहों की सुरक्षा जब तक नहीं होगी तब तक आप सुनियोजित और सटीक जाँच के बारे में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक गवाह सुरक्षित नहीं है तब तक आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जांच होगी वो बिल्कुल तटस्थ तरीके से होगी, और जो सुनवाई होगी वो भी तटस्थ तरीके से होगी। जांच अधिकारी जो होते हैं वो जो पैसे वाले लोग होते हैं, या फिर जनवाल लोग होते हैं, जो सांसद विधायक हैं, उनके जाँच में धांधली कर देते हैं। तो इस जाँच अधिकारी के ऊपर भी एक जो कैमरा रखना चाहिए, या फिर उनके ऊपर भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो उनकी देख रेख करे कि भाई हाँ, ये जांच अधिकारी इस केस का अच्छी तरह से सुनवाई कर रहा है, इसकी अच्छी तरह से जांच कर रहा है अथवा नहीं। ठीक है, एक समय सीमा तय होनी चाहिए कि इतने समय सीमा में, इतना टाइम फ्रेम जो होगा, इसमें हम इस केस को पूरा कर देंगे और इस केस के जो विभिन्न पहलू हैं उनको समझ लेंगे। तो इस टाइम फ्रेम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी कुछ समय पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि उम्मीदवारों द्वारा शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक मुकदमे और संपत्ति का ब्यौरा, अपने उम्मीदवारी का फॉर्म जो होगा, जैसे विधायक और सांसद का जो चुनाव लड़ा जाएगा,
इसमें जो भरते हैं तो ये सब जो चीज़ें अपने फोरम में बतलाएंगे। तो इसके इसके एंटी में जो संसद थी उसने एक अध्यादेश पारित कर दिया और धीरे धीरे इसका कानून का रूप दे दिया। लेकिन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से निरस्त कर दिया और तब से लेकर अब तक सरकार उम्मीदवार जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक मुकदमे और संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। तो एक प्रकार से ये है कि भाई क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ था सांसद और विधायकों से, तो इस कारण से उन्होंने इससे रिलेटेड इससे एंटी में एक कानून ही बना दिया। तो ऐसे ये जो कानून है ये लोकतंत्र के खिलाफ होते हैं एक तरह से, और जो संसद है वो ऐसे कानून का निर्माण अगर करती है तो वो लोकतंत्र की हत्या ही माना जा सकता है। क्योंकि उम्मीदवार जो है उसके बारे में जानने का अधिकार जनता को होना चाहिए कि उस उम्मीदवार जो कि चुनाव लड़ रहा है उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसका आपराधिक मुकदमे कितने हैं और उसकी संपत्ति का कितना ब्यौरा है। ठीक है, और जो सजा प्राप्त उम्मीदवार हो वो हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से वंचित किए जाएं, इस पर अभी बातचीत चल रही है। क्योंकि सरकारी नौकरी के संबंध में अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई किसी पर जो ये सजा प्राप्त कोई व्यक्ति होता है वो सरकारी नौकरी पाने से वंचित हो जाता है। और सरकारी नौकरी की अगर मैं बात छोड़ दूँ तो जो अगर विधायक या सांसद कोई व्यक्ति बन रहा है तो वो जनता के लिए उत्तरदायी होता है, और जनता के लिए उत्तरदायी होने के कारण अगर कोई व्यक्ति सजा प्राप्त होता है प्राप्त करता है किसी भी केस में तो उसे चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना ही चाहिए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति की सहमति से नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग ये जो टेस्ट हैं ये नहीं हो सकते। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि कई लोग इसके लिए राजी नहीं होते और जो गवर्नमेंट है या फिर जो एजेंसीज हैं उनको अलग कोई तरीका अपनाना पड़ता है। तो 2010 में जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था इसमें व्यक्ति की सहमति अनिवार्य कर दी गई थी, और तो सुप्रीम कोर्ट को इसको इस पर इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या सहमति ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जो लोग हैं गंभीर अपराधों के जो अपराधी हैं वो इस प्रकार से इन मैपिंग से इन टेस्ट से गुजरना नहीं चाहते। नार्को टेस्ट में आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जो अर्धचेतन अवस्था है, अर्धचेत अवस्था है, उसमें व्यक्ति को उदासीन किया जाता है और उसको अर्धचेतन अवस्था में ला दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति झूठ बोलने की झूठ नहीं बोल सके, ताकि उसके जो सेंसेस हैं वो काम नहीं कर सके और वो झूठ क्या बोलना है वो नहीं बोल सके, वो केवल सच के जो सच है वो जो हुआ था वो उतना ही बोल सके। हालांकि ये टेस्ट 100% श्योर नहीं माना जा सकता, पर इसमें यूज़ किया जाता है सोडियम पेंटाथोल और सोडियम एमाइटल को। नार्को टेस्ट एक लाई डिटेक्टर या पोलीग्राफ टेस्ट भी होता है, इसमें प्रश्न पूछकर व्यक्ति के जो बीपी है, जो पल्सेस है, जो रेस्पिरेशन है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि चूंकि होता ही है कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो इनमें डिफरेंस नजर आता है आपके बीपी में, पल्स में, रेस्पिरेशन रिपोर्ट में, तो अगर आप सच बोल रहे हैं तो ये सिंपल है जैसे ही रहता है। ठीक है, तो ये राजनीतिक अपराधीकरण का इलाज सुरेंद्र किशोर द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है शंकर शरण जी द्वारा लिखा गया रूसी कम्युनिस्ट के सबक के, ये इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है लेकिन हम इसके 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट समाजवाद, इसमें समाज इम्पोर्टेंट होता है और डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप में जनता या फिर लोग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेनिन ने जो कम्युनिज्म को अपनाया तो शुरू में हुआ ये था कि उन्होंने कहा था कि जो अगर हम आते हैं तो ऐसा कोई नरसंहार नहीं होगा, लेकिन बाद में उन्होंने तानाशाही प्रवृत्ति जो अपनाई कम्युनिज्म के नाम पर, तो वो और जो वो रूस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो से रिलेटेड है। कम्युनिज्म का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर आप समाजवाद से रिलेटेड है तो समाज को आप मेन जो है आपका थीम मानते हैं और पूरी जो आपके जो वर्क होते हैं वो समाज से रिलेटेड करते हैं। जैसे कि अगर डेमोक्रेसी में आप जनता के ऊपर डिपेंड करते हैं और कम्युनिज्म में आप समाज के ऊपर डिपेंड करते हैं, समाज के ऊपर डिपेंड होने का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी पॉलिसी लाते हैं तो वो समाज पूरे समाज पर इम्प्लीमेंट होती है। जैसे कि हुआ यह था कि कई बार जैसे कि भूमि का जो राष्ट्र समाजीकरण किया गया था उसमें भूमि है सभी लोगों में समान बांट दी गई थी, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि भूमि को राष्ट्रीयकृत करके उसमें लोगों को इसके ऊपर कृषि करने के लिए रखा जाए। दैट इज कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपको पता है कि जनता का शासन ही होता है इसमें, और जनता जो चाहती है वो होता है, जनता के हिसाब से कानून बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं। ओके, तो आज के न्यूज़पेपर डिस्कस एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही, और अगर आपको ये लेसन बहुत पसंद आया तो आप मुझे 5 स्टार दे सकते हैं, आप रिव्यू रिकमेंड भी कर सकते हैं इस लेसन को, और आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आपको कोई लेसन जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्टेड लेसन लिख कर टाइप कर सकते हैं। आप मुझे
अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी आई डी anacademy.com/user/ZSTINKIRWL। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन एंड प्लीज रिकमेंड करते रहिए। थैंक यू।